तो गाइस जैसा कि आपने देखा यहाँ पे, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ पे इसकी जो आप यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको टच करके भी सारी पिनों के बारे में नॉलेज दे देता हूँ। बाकी आप एक चीज़ डायरेक्टली देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा ये वाटर डैमेज हो गया है। जैसा कि आप देख सकते हो सारा यहाँ पे वाटर डैमेज हो गया है। हमें यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज करनी होगी। सबसे पहले इसका डायोड चेंज करना होगा, यहाँ पे कैपेसिटर चेंज करना होगा और इसका बूस्ट कॉइल, ये तीनों हमें कॉम्पोनेंट को चेंज करना होगा फ्रेंड। उसके बाद अगर नहीं होता है तो हमें फिर इसको 12 बॉल की आईसी लगी हुई है। अगर मैं थोड़ा सा और आपको जूम करने की कोशिश करूँ, दिखाने की कोशिश करूँ, तो आपको मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ यहाँ पे ये 12 बॉल की आईसी लगी। मैंने इसलिए क्लीन नहीं किया है कि यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी डरा रस्ट है और यहाँ पे देख सकते हैं ये वाटर डैमेज के कारण यहाँ पे देख सकते हैं रस्टिंग हो चुकी है। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसकी पिन की सप्लाई जो मैं बता दूँ, तो इसकी जो फर्स्ट वाली पिन है ऊपर से, मैं आपको थोड़ा सा टच करके दिखा देता हूँ। इसकी सप्लाई के बारे में आपको बता दूँ, सप्लाई हमारी ओके है, जो हमारी वोल्टेजेस आने चाहिए 4 वोल्ट वो हमारा प्रॉपर आ रहा है। इसकी जो फर्स्ट पिन है वो हमारी एनोड की लाइन है, बाकी जो हमारी थर्ड और फोर्थ है वो हमारी कैथोड की लाइन है, और इसके जो 9 नंबर है वो उसकी CABC की लाइन है, कंट्रोलिंग की लाइन है। तो मैं फिर से रिमाइंड कर दे रहा हूँ, फर्स्ट वाली है फ्रेंड इसकी कैथोड की लाइन, सेकंड NC है ग्राउंड, उसके बाद थर्ड है इसका फ्रेंड मैं बता दूँ कैथोड की, और सेकंड भी फोर्थ भी इसका कैथोड की है। तो ये इसका लाइट सेक्शन है फ्रेंड। यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट और लगा हुआ था जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके बाद ये देख सकते हैं ज़्यादा सा यहाँ पे थोड़ी रस्टिंग है। तो चलिए इस वीडियो को हम आपको करके दिखाएंगे प्रॉपर की काम होता है कि नहीं होता है फ्रेंड। तो चलिए वीडियो को आप वैसे ही बने रहें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 3 कॉम्पोनेंट चेंज करने वाला हूँ। सबसे पहला यहाँ पे डायोड, और यहाँ पे एक बूस्ट कॉइल, और यहाँ पे इसका कैपेसिटर। ये 3 चीज़ हम चेंज करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि हमारा काम होता है कि नहीं। अगर हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो फिर हमें इसकी 12 बॉल के ऐसी को भी रिप्लेस करना होगा। तो चलिए वीडियो को ऐसे ही बने रहें। तो गाइस जो इसमें हमने काम किया है, मैं आपको बता दूं, ये हमने एक डायोड और ये हमारा बूस्ट कॉइल, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लाइट आईसी लगी हुई है, 9 बॉल की लाइट आईसी है। तो हमने इसका फाइनली चेंज कर दिया, रिप्लेस कर दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन था, और मैंने यहाँ पे एक कैपेसिटर को भी रिमूव कर दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा था और उसको हमने रिमूव कर दिया है। अगर आप में कोई प्रॉब्लम होता है तो इस कैपेसिटर को आपको लगाना होता है, क्योंकि ये हमारा आउटपुट का कैपेसिटर होता है, तो आउटपुट के कैपेसिटर आपको लगाना होता है। तो फाइनली ये फ्रेंड देखते हैं हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। हमने यहाँ पे इस पर प्रॉपर वर्क किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं जो यहाँ पे कार्बन था, सारी चीज़ें यहाँ पे अभी भी 2 पे कार्बन आपको दिखाई दे रहा होगा। बट ये जो बूस्ट कॉइल था, बूस्ट कॉइल को हमने चेंज किया, और यहाँ पे डायोड को भी हमने चेंज किया। उसके बाद एक कैपेसिटर भी आपको रिप्लेस करना पड़ता है। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो आपको फ्रेंड अगर यहाँ पे EN चेक करना होता है, यहाँ पे एक हमारा रजिस्टर है, जैसा कि आपको मैं चेक करके थोड़ा सा दिखा दूँ, यहाँ पे एक रजिस्टर है, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये EN वाला रजिस्टर है। तो यहाँ पे हमारा 1.8 आना चाहिए। अगर यहाँ पे 1.8 हमारा नहीं आता है तो फ्रेंड आपको यहाँ से जो भी है इसका बाईपास आप कर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है जो कि 100K का होता है। ये आपको स्कीमेटिक डायग्राम पे पता चलेगा कितने के का रजिस्टर है ये, कि पैलर में लगा हुआ है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अभी हम चलिए आपको रीडिंग करके चेक करके दिखा देते हैं प्रॉपर यहाँ पे आ रहा है। उसके बाद वोल्टेज भी आपको दिखा देंगे कि वोल्टेज हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो गाइस वीडियो को लास्ट दिन तक आप देखते रहिएगा। तो मैं आपको यहाँ पे इसके वोल्टेजेस पहले आपको रीडिंग चेक करके दिखाऊंगा, उसके बाद इसको यहाँ पे वोल्टेज चेक करके आपको दिखाऊंगा। तो ये आपका 1.8 यहाँ पे आता है, और ये हमारा इनपुट का है, ये हमारा आउटपुट का है, ये आउटपुट का है हमारा, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूं फ्रेंड्स टच करके, ये हमारा आउटपुट का है। ये आउटपुट से यहाँ पे जाने के बाद ये आउटपुट पे लगे हुए हैं 2 कैपेसिटर्स। उसके बाद यहाँ पे कनेक्टर पे आप जाएंगे तो कनेक्टर का भी एक कॉम्पोनेंट यहाँ पे जल गया था, ख़राब हो गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कनेक्टर लगा हुआ था, वहाँ पे भी एक जल गया था, तो इसको भी हमने रिमूव कर दिया है। अब यहाँ पे आपको हम करेंगे रीडिंग चेक करके दिखाएंगे, और उसके बाद आपको यहाँ पे इसके वोल्टेजेस भी चेक करके दिखाएंगे, और फाइनली ऑन हुआ कि नहीं हुआ वो भी मैं आपको यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। तो चलिए गाइस मैं अभी आपको पहले रीडिंग चेक करा लेता हूँ, हमारी ये जो सप्लाई है सही है कि नहीं है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे चेक करके आपको दिखा दूंगा, फिर ये मल्टीमीटर बाजू में रखा हुआ है, मल्टीमीटर पे हम रीडिंग भी आपको करके दिखा देंगे। तो चलिए फाइनली यहाँ पे हम आपको चेक करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम कोल टेस्टिंग करेंगे, तो कोल टेस्टिंग के लिए हम यहाँ पे ग्राउंड कर देते हैं फ्रेंड, जैसा कि हमने एक सिरप रोप को ग्राउंड कर दिया। अब हम पहले वाले पिन पे इसकी रीडिंग चेक करेंगे, तो पहले वाले पिन पे आप देख सकते हो यहाँ पे, मैं माइक्रोस्कोप में दिखाना चाहूँगा आपको, मैं यहाँ पे आपको चेक करता हूँ। देखिए मैंने पहले वाले प्रोप पे रखा है, मल्टीमीटर पे दिखाई, मल्टीमीटर दिखाई, तो हमारी कैथोड की जो लाइन, एनोड की जो लाइन है, यहाँ पे रीडिंग आ रही है प्रॉपर, पहले रीडिंग नहीं आ रही थी। तो यहाँ पे जो कॉम्पोनेंट था, मैं आपको टच करके दिखा दूँ, यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट लगा हुआ था, यहाँ पे कॉम्पोनेंट लगा था जो कि वाटर डैमेज कारण ख़राब हो गया था, तो हमने यहाँ पे रिमूव कर दिया। तो हमारे यहाँ पे कैथोड की लाइन सही है। अब यहाँ पे हम एनोड की लाइन हमारी सही है, कैथोड की लाइन को हम चेक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कैथोड पे भी हमारी रीडिंग आ रही है, कैथोड 1 और कैथोड 2, ये देख सकते हैं कैथोड 2 पे भी रीडिंग हमारी आ रही है, यहाँ पे देख सकते हैं। और मैंने यहाँ पे पिन भी दिखा दीजिए, मैंने जहाँ पे टच किया हुआ है, ये देख सकते हैं, ये 3rd चौथे नंबर की पिन,
उसके बाद जो हमारी 9 नंबर की पिन है 5 6 7 8 9, और 9 पे भी देखिए ऑयल आ रहा है, बट ऑयल हमारे यहाँ पे देख सकते हैं सीएबीसी की लाइन होती है, जो कि यहाँ पे आपको क्वांटिटी देखने को मिल जाएगी। ये सीएबीसी की लाइन है, यहाँ पे 1 ही आता है। तो और जाहिर सी बात, अब यहाँ पे आपको मैं वोल्टेज चेक करके दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं जो वोल्टेजेस बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, कहाँ पे क्या वोल्टेज आते हैं, वो सारा वोल्टेज मैं यहाँ पे आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो ये मैं आपको फुल सर्किट की नॉलेज के साथ यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ये हमने बताया दिया कि हमने जो यहाँ पे काम किया था बूस्ट कॉइल और यहाँ पे डायोड को हमने चेंज किया। अगर यहाँ पे काम नहीं होता तो हमें 12 वोल्ट के एसी को भी चेंज करना होता। तो चलिए यहाँ पे हम कनेक्टर को लगा देते हैं, और कनेक्टर को लगाने के बाद पहले तो ये आपको दिखा देते हैं कि लाइट हमारा आया कि नहीं आया फ्रेंड। अगर आ जाएगा तो उसके बाद फिर हम आपको यहाँ पे वोल्टेज भी चेक करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने शुरू में नहीं दिखाया था क्योंकि कुछ भी दिख नहीं रहा था, तो आपको यहाँ पे पता नहीं चलता। क्योंकि अगर आप में ये देख सकते हैं फ्रेंड, आई होप हमारा ये जॉब डन हो चुका है, 100% सक्सेस हो चुका है, क्योंकि किसी कस्टमर का या फिर सब्सक्राइबर का यहाँ पे नहीं आ रहा था। तो फटाक से हम यहाँ पे आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखा देते हैं फ्रेंड। तो ये मैं यहाँ पे वोल्टेज मोड पे रख देता हूँ और वोल्टेज भी आपको हम फटाफट चेक करके दिखा देते हैं। तो ये मैंने ग्राउंड कर लिया फ्रेंड। तो इसके आप देख सकते हैं डायोड के सिरा में आपको 3 वोल्ट ही मिलेंगे, पर जैसे हम यहाँ पे जाएंगे तो फ्रेंड हमें यहाँ पे देखे 3 वोल्ट ही मिल रहा है। यहाँ पे अभी आपको देखने को मिल जाएगा, ये असली फोन में शायद चला गया। यहाँ पे अभी 3 वोल्ट हमारे आ रहे थे जो हमारे, चलिए पहले मैं 3 वोल्ट की बात कर देता हूँ, एक एक वोल्टेज आपको मैं दिखा देता हूँ क्योंकि एक साथ आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि हमें जो 3 वोल्ट आना चाहिए, जैसे ही बैटरी कनेक्टर लगा दें या चार्जिंग पिन को लगा दें, तो हमारा 3 वोल्ट कहाँ कहाँ पर आना चाहिए। तो सबसे पहला हमारा आना चाहिए, ये देखिए इस डायोड पे भी आना चाहिए, इस कॉइल के दोनों तरफ आना चाहिए, और इस कैपेसिटर पे ये आउटपुट के भी सारे हमारे यहाँ पे 3 वोल्टेज आने चाहिए। अगर 3 वोल्ट आ रहा है मतलब हमारा इनपुट वोल्टेज आ रहा है। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपको 3 वोल्ट चेक करके दिखा देते हैं कि 3 वोल्ट हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये देख सकते हैं वहाँ पे मल्टीमीटर में फ्रंट की 3 वोल्ट हमारा यहाँ पे भी आ रहा है, और ये हमारे आउटपुट की लाइन पे भी 3 वोल्ट हमारा यहाँ पे बेसिकली भी प्रॉपर तरीके से आ जाएगा। ये देखिए, तो मतलब ये हमारा प्रॉपर, यहाँ पे दिखाइए कनेक्टर को, ये देख सकते हैं यहाँ पे 3 वोल्ट हमारा प्रॉपर तरीके से आ रहा है। अब हम फोन को ऑन करेंगे और ऑन करने के बाद आपको चेक कराएंगे कि हमारा जो बूस्ट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है फ्रेंड। तो चलिए मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ फिर से एक बार, ये देखिए मैंने ऑन कर दिया फ्रेंड। अब यहाँ पे सबसे पहले हो सकता है तो मैं ईएम पे आपको चेक करा दूँ। तो यहाँ पे भी आपका 3 वोल्टेज बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे बूस्ट वोल्टेज आप यहाँ पे देख सकते हो 22 वोल्टेज बन रहा है फ्रेंड। ये हमारा बूस्ट वोल्टेज बन रहा है, अगर ये बूस्ट वोल्टेज हमारा नहीं बनता तो हमारा काम नहीं होता, क्योंकि लाइट आ रहा है फ्रेंड। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लाइट आ रहा है, ये देख सकते हैं, और यहाँ पे जो हमारा बूस्ट वोल्टेज है वो 22 वोल्टेज भी आपको हमने यहाँ पे दिखा दिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पे 22 वोल्टेज भी हमारा आ रहा है फ्रेंड। तो आई होप आपको ये जो वीडियो था फ्रेंड, मैंने फुल डिटेल के साथ ये बनाई है यहाँ पे आपको, तो आई होप वीडियो आपको अगर समझ में आया हो, क्योंकि मैंने वोल्टेजेस और रीडिंग के साथ पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने इनपुट वोल्टेज भी चेक कराया और आउटपुट वोल्टेज बूस्ट वोल्टेज कब बनते हैं सारा चीज़ भी आपको हमने करके दिखाया। तो यहाँ पे लाइट का जो हमारा प्रॉब्लम था, ये हमारा रेडमी 8A का है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। इसमें लाइट प्रॉब्लम था फ्रंट और ज़्यादा थी आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे सारी चीज़ें। तो चलिए ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ऐसे ही मैं वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा। ये आपको फुल ट्रेसिंग हमने बताया कि कौन सी एनोड की लाइन, कैथोड की लाइन में क्या क्या लगा हुआ है, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पे ट्रेस करके आपको दिखाया हुआ है फ्रेंड। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसका फाइनल हमने क्या किया है, इसका बूस्ट वॉल और यहाँ पे हमने डायोड को चेंज किया है। अगर उसके चेंज करने से नहीं आता तो आपको 9 12 वॉल के एसी को, लाइट एसी को चेंज करना होता। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, आपने देखो, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।